अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं होम सर्विसेज। आज मैं आपके लिए ये सिलिकॉन गन या कॉकिंग गन जो होती है, इसके आपको चलाने का तरीका क्या और उसको कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये नॉर्मल सी कॉकिंग गन या सिलिकॉन गन है, आप ये देख सकते हैं चारों तरफ से। इसका बेसिकली बस ये तरीका होता है कि ये जो आपको बटन से नज़र आ रहा है, ये आप इसको दबाएंगे तो ये पीछे की तरफ ये ऐसे, ये देखें आप, ये ऐसे यूँ टाइट हो जाएगा। अब अगर मैंने ये बटन नहीं दबाया हुआ, अब ये देखें बिल्कुल लॉक है, तो मैंने ये पूरा दबा दिया, इसको पूरा खींच लूँगा। अब ये देख सकते हैं आप ये कि ये इतनी बड़ी गन सी हो गई। ये अच्छा, ये इसमें सिलिकॉन होती है, ये देखिए यहाँ से, ये इसको यहाँ से भी इसको कट करना होगा, पीछे से भी आप ये देख सकते हैं। नॉर्मल ये जो सिलिकॉन कई किस्म की आती है, ये सिलिकॉन है, ये जो है सीलिंग के लिए, बॉन्डिंग के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए और इंसुलेशन के लिए। अभी जब आपको मैं इसका इस्तेमाल जब आपको दिखाऊंगा तो किचन सिंक के उसके लीकेज हो रही है, तो उसको दोबारा ये इसकी हम ये सिलिकॉन लगाएंगे निकाल के। तो अब इसका तरीका ये होता है कि इसमें एक तो ये आप ये देख सकते हैं, इसमें ये होल बना हुआ है, लेकिन हमें ये होल क्योंकि छोटा सा है तो हमें जो है इसका होल बड़ा काटना है। तो आप ये बस ये अंदाजे से आप इसको, ये कटर है, इसको 45 पे आप ऐसे करके काट लें। आप ये देख सकते हैं कि ये 45 तकरीबन ये अंदाजे से मैंने काटा ही, अब ये इतना बड़ा हो गया। अगर आपको और चाहिए इसे बड़ा तो आप इसको और, ये देखिए ये बड़ा हो गया। ऐसे ही इसका जो लॉक है वो हम यहाँ से पहले इसकी सील काट लेंगे। अब आप ये देख सकते हैं इसकी सील कट चुकी है और ये मैं इसकी यहाँ पे ये इसके इसकी जो नॉब है उसको लगा लेता हूँ। उसका लगाने का तरीका ये, मैंने इसको ये लगा दिया और ये इस तरह हो गया। ये देख सकते हैं हम इसको बिल्कुल निकालने लगा, और ये जो इसका रुख होगा ना ये नीचे की तरफ होगा ऐसे। तो अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता, ये अब देखें अब ये लॉक हो गई। अब मैं इसे पहले तो हल्का था, अब ये इसका जो ट्रिगर है ये इसको मैं ज़रा जान लगाऊंगा, पहले पीछे से ये इसे सेट कर लूँ। अब ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये कितनी इसकी सिलिकॉन निकल चुकी है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसका करके दिखाता हूँ। इसको इसमें जो है सिलिकॉन लगाने जा रहे हैं, तो ये जो है सिंक है ये यहाँ से लीक होता है, तो इसको जो है ये कटर की मदद से इसको काटेंगे। अब ये हमारा जो है सिंक निकल आया, आप ये देख सकते हैं। अब ये जो है ये पेंट पेंट वाले ये स्क्रैपर इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको पुरानी जो ये सिलिकॉन है इसको मैं इससे रिमूव कर रहा हूँ। तो ये मैंने इसमें केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल लगा लिया, तो इससे जो है ना ये पुरानी सिलिकॉन बहुत आसानी से निकल आएगी। स्क्रैपर से कुछ मसला हो रहा था और ये जो है किचन काउंटर टॉप में स्क्रैचेस भी आ रहे थे। अब मैं इसको जो है केरोसिन ऑयल से कर रहा हूँ, थोड़ी देर लगा के फिर 4-5 मिनट आप इसको छोड़ दें और फिर इसको निकाल लें।
अब ये मैं इसी स्क्रैपर से जो है इसकी ये आके देख सकते हैं, ये पुरानी सिलिकॉन जो है कितनी आसानी से इसमें निकल रही है। ये है ये पुरानी सिलिकॉन है, थोड़ा सा और भी है इसमें लगा। अब ये मैंने पूरा जो है ये स्क्रैपर से स्क्रैप कर लिया था, जो पुरानी सिलिकॉन लगी हुई थी वो पुरानी सिलिकॉन का आप ये कचरा देख सकते हैं, ये नज़र आ रहा है। और ये मैंने गीले कपड़े से जो है ये इसको अच्छी तरह इसको साफ़ कर रहा हूँ, ताकि इसमें जो है केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल जो हमने लगाया था पुरानी सिलिकॉन को रिमूव करने के लिए वो अच्छी तरह हट जाए, फिर हम इसमें नई सिलिकॉन लगाएं। दो तीन मिनट बाद ये पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद हम नई सिलिकॉन लगाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको ये सिलिकॉन गन के बारे में बताऊंगा। ये जो हमने उस वक्त कट किया था तो इसको जो है बिल्कुल आप ऐसे एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल यूँ इस तरह है, बिल्कुल ये यानी कि ये सरफेस पे ये लगे, और ये जो है ये आप बिल्कुल इसको प्रेशर में रखेंगे। तो अब मैं इसको बिल्कुल किनारे किनारे लगाना शुरू कर रहा हूँ। अब हम इसको जो है इसमें इसको वेट चाहिए होता है तो ये है, तो इसको पानी से मैं भर दूंगा तो ये जो है सिम को अच्छी तरह सेट कर देगा। दूसरी तरफ जो है ये किनारे में जो ये सिलिकॉन लग गई थी इसको जो है अच्छी तरह साफ कर लेता हूँ। अब ये मैंने इस पर जो साइडों पे जो है इसकी सिलिकॉन जो आ रही थी वो मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दी, और अब ये देख सकते हैं बिल्कुल किनारों से बिल्कुल ये अच्छी तरह थोड़ी देर के लिए 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दें जो पतीली में पानी रखा हुआ है, ये इसकी वेट की वजह से इसको अच्छी तरह दबा के रखेगा, इसको जॉइंट सही बन जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई कमेंट्स में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो ज़रूर पूछें। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।